आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम वो क्या होगी उस पर हम आज बात करेंगे। कोई भी सिस्टम, सिस्टम की डेफिनेशन हम जो है वो अपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी करके आ गए हैं। सिस्टम का हमें अंदाज़ा है कि सिस्टम जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि सिस्टम के पास जो सी है वो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी उसके अंदर किस किस तरह की मौजूद हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी थिंग टू डू वर्क। किसी भी बॉडी की काम करने की जो एबिलिटी है, वर्क करने की एबिलिटी है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। और आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि एनर्जी इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज़ द काइनेटिक एनर्जी। एंड नंबर टू इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो मेनली एनर्जी की जो है वो दो टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी की एनर्जी होती है एंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब एक सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इट कैन बी ट्रांसलेशनल मोशन। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द मोशन। जब एक बॉडी मोशन में होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता था, तो वी इज़ फिर वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी मूवमेंट में होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमारा जो सिस्टम है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, केमिस्ट्री में या कोई भी सिस्टम आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स के पास दो तरह की एनर्जी हो सकती है, दैट कैन बी काइनेटिक एनर्जी एंड दैट कैन बी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? ट्रांसलेशनल एनर्जी, जो कि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगी। दूसरी हो सकती है आपके पास वाइब्रेशनल मोशन, के मॉलिक्यूल्स आपके वाइब्रेट कर रहे हैं। एंड थर्ड कैन बी रोटेशनल, कि वो किसी चीज़ के गिर्द रोटेट करें। इनको अब हम अपनी जगह अलग-अलग भी स्टडी करेंगे, बट काइनेटिक एनर्जी इन आवर सिस्टम कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, इन विच ट्रांसलेशनल मोशन, एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन एंड एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। कमिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो सी है इस सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितनी भी आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं दे आर ऑल कम अंडर द हेड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से जो है जो चीज़ साबित हुई वो ये थी कि आपका जो सब पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देख रहा है, जिसके अंदर आपके पास वैंडरवॉल फोर्सेस आ जाती हैं, और इसके अलावा जितने भी आपके पास बॉन्ड्स होते हैं वो तमाम फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के अंडर आती हैं, और काइनेटिक एनर्जी के अंडर ये वाली मोशन आती हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है। सबसे पहले चले हम मोशंस को डिफाइन कर लेते हैं। तो मोशन नंबर वन थी हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन इज दैट मोशन विच इज इन लाइन, एक लीनियर जो मोशन जिसको हम कहते हैं, एक लाइन के अंदर जो मोशन मूव करेगी। अगर ये एक मॉलिक्यूल है एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस मॉलिक्यूल इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये एक सेम डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दिस इज़ द ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड इज़ द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। जो आपके डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच देर आर टू एटम्स, दे नॉर्मली शो वाइब्रेशनल मोशन मॉलिक्यूल्स। ये जो है आपके पास, अगर ये दो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं तो दे विल बी वाइब्रेटिंग लाइक दिस। तो उनकी वाइब्रेशन जो सी है वो डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट
एम्पलीट्यूड की हो सकती है, कुछ स्पीड से वाइब्रेट कर सकते हैं, कुछ स्लोली, बट दे आर वाइब्रेटिंग. एंड द थर्ड मोशन इज़ द रोटेशनल मोशन, जिसके अंदर आपके पास जो एटम है वो रोटेट कर रहा होता है, एक मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल ये अगर BF3 का मैं मॉलिक्यूल बनाऊँ जो कि ट्रायंगुलर था, हम कई दफ़ा पढ़ के भी आए हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, ये जो है ये इस डायरेक्शन में यूँ रोटेट कर रहा होता है. तो रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, एंड व्हेन वी सम अप दीज थ्री मोशंस और इनसे रिलेटेड एनर्जीज, तो वो हमारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो सी हैं वो होती है. तो पता ये चला कि अब हमारे पास किसी भी सिस्टम के अंदर दो तरह की एनर्जी है, एक इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी. अब हम डिफाइन करने की पोजीशन में आ गए हैं अपने टॉपिक को, जो के था इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल द पॉसिबल एनर्जीज प्रेजेंट इन आवर सिस्टम. हमारे सिस्टम के अंदर जो सा है जितनी भी एनर्जीज पॉसिबल हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और छोटी छोटी जितनी एनर्जीज हैं, उन सब को अगर हम सम अप कर दें तो जो टोटल बनेगा उसका, दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ आवर सिस्टम. तो डिफाइन ये हुआ कि तमाम की तमाम एनर्जीज जो उनसी सिस्टम में प्रेजेंट होंगी, अगर उनको टोटल कर दिया जाए तो दे आर कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी. अब इंटरनल एनर्जी जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ अ स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन क्या था ये हम पिछले टॉपिक में स्टडी करके आए हैं. स्टेट फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन रिवाइज करूं तो स्टेट फंक्शन होता था वो चीज़ जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ तो पता हों लेकिन उसके बाद पे वो डिपेंड ना करे. तो हमें बेसिकली जो चीज़ डिपेंड स्टेट फंक्शन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो होती है ये डेल्टा, विच शोज़ द डिफरेंस कि आपके पास जो है स्टेट वन जो थी उसमें एनर्जी कुछ और होगी, स्टेट टू थी उसमें एनर्जी की वैल्यू कोई और होगी, या अगर ई वन है तो ये ई टू है. हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि स्टेट वन में उसकी एनर्जी कितनी थी या स्टेट टू में उसकी एनर्जी कितनी थी. हमें इंटरेस्ट ये है कि जब वो स्टेट वन से स्टेट टू में आया है तो उसकी एनर्जी में चेंज कितना आया है. डेल्टा ई इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो हम जब भी बात करेंगे इसमें हम डेल्टा ई की बात करेंगे. डेल्टा ई इज़ जो कि हमें बताएगा कि चेंज एनर्जी में कितना आया है. आपने जो भी सिस्टम के ऊपर प्रोसेस किया है उस प्रोसेस के नतीजे में चेंज इन एनर्जी जो है वो कितना है वो हमें बताएगा हमारा डेल्टा ई. तो डेल्टा ई इज़ द स्टेट फंक्शन. अब सपोज करते हैं हम हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम की अपनी एक डेल्टा ई है. डेल्टा ई का मतलब है इस सिस्टम की अपनी एक इंटरनल एनर्जी है. अब हम जब भी इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे इस सिस्टम के ऊपर, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, या वो कम होगी या वो ज़्यादा हो जाएगी. अब वो कहता है जी कि देर आर टू वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम अ सिस्टम. अगर ये सिस्टम को मुझे एनर्जी देनी है या इससे एनर्जी लेनी है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं. देर आर टू वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी. अब वो तरीके क्या हैं उनको हमने इस टॉपिक में कवर करना है. व्हाट आर दोज टू वेज, वो ये हैं जी कि नंबर वन इज हीट एंड नंबर टू इज वर्क. कि या तो मैं इसको हीट दूं या इसे हीट लूं तो इसकी एनर्जी कम या ज़्यादा हो जाएगी, या मैं इसके ऊपर वर्क करूं सिस्टम के ऊपर तो जो है मेरे पास इसकी एनर्जी चेंज हो सकती है या इसकी कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है. अब हम इनको अलग-अलग जो है डिस्कस कर लेते हैं कि हीट क्या है और
हमारे पास वो क्या है, हीट जो है, हीट एक सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। इसको हम हीट को किसी भी सिस्टम की क्यू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से। ये होती क्या है, ये होती ये है कि इट इज़ डिफाइंड, आपकी बुक में भी डेफिनेशन दी हुई है, एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज, जो कि फ्लो कर रही है कहाँ से, अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट, यहां तक अगर मैं इसको समझाऊं तो इफ दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज द सराउंडिंग्स, तो वो ये कह रहा है कि ये जो सी चीज है, दिस इज द बाउंड्री, राइट। ये सारी पिछले टॉपिक की डेफिनेशन है। तो वो कहता है जी द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब है आर पार, अक्रॉस द बाउंड्री। इस बाउंड्री से इधर से इधर या इधर से इधर जो चीज़ है, जब हम इसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम इसके ऊपर चेंज लेके आ रहे हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी फ्लो करेगी अक्रॉस द बाउंड्री, बाउंड्री के एक तरफ से दूसरी तरफ, चाहे वो सिस्टम से सराउंडिंग हो या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो, तो वो क्या कहलाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज हीट। और ये होगी कैसे, इट इज़ इट विल बी ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हीट की बात हो रही है तो टेम्परेचर की बात हम यहाँ पे करनी पड़ेगी। ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर किसके दरमियान, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। तो यहाँ से हमारे पास जो डिटेल डेफिनेशन आई हीट की, वो ये है कि अगर दिस इज आवर सिस्टम एंड दिस इज द सराउंडिंग्स, तो हमारे पास जो है सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में जो है हीट का फ्लो, उस क्वांटिटी का फ्लो, एनर्जी का जो फ्लो है अक्रॉस द बाउंड्री, वो होगा। और वो किस वजह से होगा, कि जब सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है सिस्टम के टेम्परेचर से डिफरेंट होगा। अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं तो एनर्जी क्यों फ्लो करेगी। अगर आप एक बॉडी को, गर्म बॉडी को ला के रखते हैं, अगर आपके पास एक रॉड है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर के अंदर वाटर है जो कि बॉइलिंग वाटर है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी है, आप उसको थोड़ी देर के लिए अपने यहाँ पे रख दें ओपन एयर में, तो ये सारी उसकी सराउंडिंग है एंड दिस इज़ दी बाउंड्री। तो होगा क्या कि हीट इस सिस्टम से बाहर निकलती जाएगी सराउंडिंग में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ये बाउंड्री को क्रॉस करके आ जाएगी सराउंडिंग में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी फ्लो कर रही है अक्रॉस द बाउंड्री। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि एनर्जी का जो फ्लो है बाउंड्री से, वो क्या कहलाता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हीट। तो यहाँ पर हमने हीट को जो है वो डिफाइन कर लिया, इसको हम स्मॉल क्यू से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इज़ वर्क। वर्क की डेफिनेशन आपके पास फिज़िक्स में, आप लोग जो हैं इसको कई दफ़ा स्टडी करके आए हैं, इट इज़ द फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स को जब हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वर्क आ जाता है, और इसके ऐसे यूनिट्स होते हैं जाउल्स। ये सारी बात तो वो है जो आपने स्टडी की हुई है पहले तक, लेकिन केमिस्ट्री में जो है हम वर्क को जो है वो किस तरह लेंगे। केमिस्ट्री में जो वर्क है हमारे पास, दैट इज़ ऑलवेज नॉर्मली टेकन एज अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये आगे चल के डिटेल में भी इसके बारे में, और ये फर्स्ट लॉ को हम डिफाइन करेंगे तो उसमें भी ये आएगा। केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर होता है नॉर्मली, दैट इज़ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बीकर है, दिस इज़ द बीकर, और ये जो है आपके पास एक
चैम्बर इसके साथ लगा हुआ है जो कि वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है. इसके अंदर जो है रिएक्शन हो रहा है, और वो रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन ये है कि कैल्शियम जो है कार्बोनेट, इसको मैं 2HCl से रिएक्ट करवाऊंगा, तो मेरे पास CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा. दिस CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस फ्लास्क. अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल पहले अगर इनिशियल स्टेट पे V1 इसका इतना था, यहाँ तक वॉल्यूम था इसका, अब इसके अंदर रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. अब नई चीज़ बन रही है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा एंड ये जो मार्क था ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा V2 पे ऊपर. और जो इसके ऊपर प्रेशर है दैट इज़ फ्रॉम दिस एंड, जो कि ये P इसके ऊपर लग रहा है. तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा V निकलेगा कि इस रिएक्शन के बाद वॉल्यूम में चेंज कितना आया, एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम V2 माइनस V1. तो डेल्टा वी हमारे पास यहाँ से आएगा. प्रेशर वी कैन फाइंड आउट. तो हमारे पास जो वर्क की इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी. तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम का वर्क है ये हमारी केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे. और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि यहाँ पे जो है इसको नॉर्मली नेगेटिव साइन का मतलब है कि प्रेशर जो है वो बाहर से इसके ऊपर ओपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो वर्क जो है होगा यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का वर्क जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं. अब इसको अगर मैं एनालॉगसली लिखूँ, W इज़ इक्वल टू F इंटू S एंड W इज़ इक्वल टू P इंटू डेल्टा V. तो प्रेशर जो है हमारे केस में दैट वर्क एज फोर्स, और जो डिस्टेंस होता है नॉर्मल वर्क में उस वो फिर वो किस तरह है कि आपके पास जो ये अगर था तो उसमें वॉल्यूम का चेंज, ये डिस्टेंस जो है उसने कवर किया, ये V1 से V2 पे जो गया. तो डेल्टा V जो है बेसिकली डिस्टेंस के एनालॉगस है, और प्रेशर जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब तक हमारी डिस्कशन इस एंड पर पहुंची है कि इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम. नंबर वन जो बात हमने सीखी वो ये थी जी कि इंटरनल एनर्जी is the sum of all energies. फिर हमने देखा कि जो internal energy है किसी system की that can be transferred या उसको हम दे या ले सकते हैं in two ways, heat and work. Heat को हम Q से represent करते हैं, इसको हम W से represent करते हैं. ये pressure volume work होता है P delta V, और हमने Q की definition देखी. And these two are not state function, they are not the state function. ये state function नहीं होते, ना ही work और ना ही heat. यहाँ तक तमाम चीज़ें जो सी हैं आपकी clear होनी चाहिए, and from यहाँ तक हमारा topic भी जो है almost ख़त्म हो गया है. एंड में आपको एक दो चीज़ें याद रखनी हैं, और वो हैं इनके signs. कि work जो है sign of work, जो work हम लेते हैं W, वो हमने पॉजिटिव कब लेना है, और यही W हमने नेगेटिव जो है वो कब लेना है. तो वर्क पॉजिटिव उस वक्त होगा व्हेन इट इज डन ऑन द सिस्टम. जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर सिस्टम, अगर सराउंडिंग से हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हम वर्क को पॉजिटिव लेंगे. और अगर हम अगर जो है सिस्टम ये वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर तो फिर वर्क हम लेंगे नेगेटिव. तो नेगेटिव ये उस वक्त होगा व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम. जब सिस्टम वर्क करेगा तो हम इसको नेगेटिव लेंगे. अभी हमने बात की थी W इज़ इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, जो हमारी एग्जांपल थी फ्लास्क वाली. उसके अंदर क्या हो रहा था कि ये जो सिस्टम था, सिस्टम के अंदर रिएक्शन हो रहा था, उस रिएक्शन की वजह से वॉल्यूम में चेंज आ रहा था. तो बेसिकली ये रिएक्शन सिस्टम जो है वर्क कर रहा था. तो जब सिस्टम वर्क करेगा, वर्क इज़ डन बाई सिस्टम, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे. इसीलिए हमने W इज़ इक्वल टू माइनस P डेल्टा V लिखा था. तो ये दो साइंस हो गए अबाउट द वर्क. अब आते हैं हम हीट की तरफ. हीट की तो बात आपको पता ही है कि हीट आपने पॉजिटिव उस वक्त लेनी है जब ये सिस्टम जो सा है एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब बाय सिस्टम. जाहिर सी बात है कि जब हमने रिएक्शन में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ा था
तो उसमें भी यही था कि जब हीट एब्जॉर्ब होती थी तो हम पॉजिटिव साइन लिखते थे. सिमिलरली नेगेटिव साइन उस वक्त आएगा जब हीट जो है वो सिस्टम रिलीज करेगा. हीट जो है रिलीज होगी बाय सिस्टम तो हम उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसके साइन और इसके साथ ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. एंड दिस इज़ वेयर आवर चैप्टर एंड्स, आवर टॉपिक एंड्स फॉर टुडे.